This book doesn't talk about like judge नहीं कर रही book ये book किसी चीज़ को ये book बस बता रही है कि 1857 जब British आई थी यहाँ पर तब से लेके अब तक आज तक हुआ क्या है हम क्यों बदले अरे निर्माण में आ गए निर्माण से दो दिन पहले आने से पहले सोच लो हर किसी को अपनी पड़ी थी कुछ सोचता नहीं था कि कहीं अरे वो हो गया ना उसको कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता रहने दो जाने दो अभी थोड़ा लग रहा है यहाँ पे आके कि ठीक को अपने अपनी से पड़ी है तो ये जो चेंज है ना 1857 से लेके पहले तो नहीं था यार 100 साल पहले तो ये सब नहीं था तो अब जाके ये चेंज आ गया परमानेंट हम सोचते हैं अपने खुद का ही सोचते हैं पर ये पहले नहीं था दिस बुक आल्सो टॉक्स अबाउट गांधी जी एंड नेहरू जी वो पिंपड़ है ना पिंपड़ अपने उसमें ना दो फोटो है गांधी जी सामने एक फोटो है गांधी जी एंड with a small child और पीछे गांधी जी है और एक वो he is walking alone तो जो गांधी जी और जो छोटा बच्चा है ना गांधी जी इस बुक में ना गांधी जी को मैं माँ की तरह बोलूँगा वैसे तो बापू बोलते हैं हम बापू बोलते हैं पर इस बुक में मैं माँ की तरह बोलूँगा एंड द स्मॉल चाइल्ड विच इज सीन इन दैट फोटो उसको मैं इंडिया बोलूँगा तो जब इंडिया का जब फ्रीडम हुआ था ना तो इंडिया बच्चे ऐसी थी उसके मिडिल क्लास ने इतनी मेहनत की थी तुम सोचो यार मेरा तो दिमाग खराब हो जाता मेरे को कोई चिढ़ा दे अरे मार दो ना सीधा गांधी जी ने इतना पूरा हम सोचते अपन कॉल कर देते भाई मैटर हो गया है टीचर बन जाते हैं गांधी जी बोल दिए कि भाई मैटर हो गया पूरा इंडिया आ जाता है गांधी जी को क्यों माना गया मैं एग्जाम्पल है अपने डॉक्टर अभय सीरियसली बता रहा हूँ अभय मतलब वो वैल्यूज अभय भंग ने इतना बड़ा काम किया वो वैल्यूज गांधी जी से ही आए हैं उन्होंने खुद ही बताया है कि उनके पापा गांधी जी के साथ में थे उनकी भी वैल्यूज उनमें आए उस बंदे वो इतना हाई लेवल का बंदा है उसके वैल्यूज उसमें थोड़े से भी नहीं गांधी जी को लोगों ने फॉलो इसलिए किया क्योंकि वैल्यूज थे उनके पास गांधी जी को मैंने माँ इसलिए बोला गया इसलिए बोला क्योंकि ऐसे मम्मी को मम्मी हमेशा बच्चे को प्यार से रखती है गांधी जी ने इंडिया को वैल्यूज दिए गांधी जी मतलब गांधी जी ने बोला है इंडिया को चरखा दिया खादी दिया कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो बच्चा खुद से कुछ करो एंड नेहरू जी वाज लाइक नेहरू जी को मैं फादर बोलूँगा इट वाज टॉकिंग ऑल अबाउट डेवलपमेंट इंडिया को हम डेवलप करेंगे उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ था और उस वक्त नेहरू जी वाज लाइक ट्राइंग इंडिया को अपन डेवलप बनाएंगे एंड गांधी जी वाज साइड बाई साइड गिविंग वैल्यूज टू ऑल ओवर द इंडिया ये वैल्यूज ही है कि आज इतना बड़ा काम किया डॉक्टर अभय बंग तुम ही खुद ही सोचो कि ये वैल्यूज नहीं है आज अपने पास तो ही जरूरत पड़ रही है इन चीज़ों की अभय बंग ने डॉक्टर अभय बंग ने एक चीज़ बोली थी उनके सेशन में खादी छोड़ू या कॉलेज वो लाइन बस मतलब यार क्या बोले बंदे को कॉलेज छोड़ो उन्होंने कहा था कॉलेज छोड़ो या खादी छोड़ो या कॉलेज छोड़ो तो ये बहुत बड़ी चीज थी मतलब मैं खुद को यार समझता था कि मैं बहुत एडजस्टेबल इंसान हूँ चीज में ढाल लेता हूँ खुद को मैं खुद को थोड़ा सा मच्योर तो वो चीजें लगी कि कहीं कहीं पर एडजस्टेबल नहीं रहना चाहिए अगर वही डॉक्टर अभय बंग ने खादी छोड़ दी होती ना तो यार वो आगे और चेंजेस में निकल जाते थे वो बहुत बड़ी लाइन थी वो बहुत सही लगी नहीं अगर गांधी जी को हमने तो नहीं देखा पर तुम देख सकते हो वही वैल्यूज है वो दो फोटो का रीजन में कोई इससे ही समझा
और भाई आजकल का 21st century तो गजब हो गया है। ऐसा हो गया कि कंपटीशन में लगे पड़े, हर चीज, हर सोशल इनसिक्योरिटी हो रही है, डर लगता है, डर में जी रहे हम लोग, क्या होगा आगे जाके। मतलब एग्जैक्टली आज सुबह सुबह एक खाना खाते समय बात हुई, अपन रिस्क नहीं लेंगे क्या? वो जो नाली साफ कर रहा है वो रिस्क लेगा क्या? डॉक्टर बन गया ना तू, जाके कुछ कर, पैसा आने वाला इतना तो फिक्स है। मेरे को इतना पता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा ना, 50,000 मेरे को आ जाए। अपन नहीं रिस्क लेगा तो कौन लेगा? वो छोटा आदमी वो तो नहीं लेगा, उसको घर चलाना है, फैमिली चलानी, वो क्या सोचेगा? तो हम ही हैं जो रिस्क ले सकते हैं, वो एक कदम उठाते हैं और रिस्क लेते हैं।